गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैनामिक ले लद्दाख इंडिया। रात को हम लोग थे इस टेंट में और नींद काफ़ी अच्छी आई। बस रात को जब थोड़ी देर तक हवा चल रही थी तो थोड़ी डिस्टर्ब हुई नींद, बट उसके अलावा ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ठंड भी थोड़ी बहुत लग रही थी, उसका कारण ये है कि हमने अपना जो स्लीपिंग बैग था वो पहले तो खोल लिया था क्योंकि उसमें गर्मी लग रही थी, बट सुबह के टाइम ठंड बढ़ गई तब थोड़ी सी ठंड लग रही थी। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया और बहुत ठीक है। अब शुरू करेंगे पैकिंग। बाय द वे आपको बता दूं कि मैं हूं अपने लद्दाख के ट्रिप पे और आज ये मेरे ट्रिप का 7th डे है। तो अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं लद्दाख 2022, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तक की प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक आ रहा है बटन में। बाकी सब कुछ ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दिन देखिएगा, आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सियाचिन बेस कैंप और वहाँ से वापस आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे हुंदर नुब्रा वैली हुंदर। टेंट काफ़ी बड़ा था तो बहुत अच्छे से इसके अंदर स्पेस था, हमें कोई दिक्कत आई नहीं। बाइक्स इधर खड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है ऊपर की तरफ ना, अभी पहाड़ों पे आप लोग देख रहे हैं जैसा, तो जैसे थोड़ी धूप आ जाएगी थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, अभी भी ठंड है काफ़ी। ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम स्पेशल है, आप लोगों को दिखाऊंगा सुबह सुबह के टाइम में, अभी नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ कि क्या स्पेशल है, कैसे वॉशरूम यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं वो दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी, इस ट्रिप की लाइव स्टोरीज जो हैं इंस्टाग्राम पर चल रही हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, अभी वहाँ पर देख सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा लेट होता है, जैसे नेटवर्क मिलता है तब वीडियो आती है। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। आदर्श बाबू, हुए रेडी आप? कर रहे हैं पैकिंग? पैकिंग चालू है। चलिए। पूछना नहीं, नहीं नहीं पूछूंगा। गाइज ये हमारे भैया हैं जिनका ये घर है और जिनके कंपाउंड में हमने टेंट लगाया था, इनका नाम है सोनम। तो कभी अगर आप लोग आए यहाँ पे तो अपना टेंट यहाँ पे पिच कर सकते हैं, इनसे बात कर लीजिएगा। कैसे बात करेंगे? वो सामने ऊपर जो शॉप दिख रही है वो भैया की है, भैया दिन भर वहीं पे रहते हैं। ठीक है ना भैया? हाँ। अच्छा आपका मोबाइल नंबर डाल दूँ इसमें? डाल दे सकता हूँ ना मोबाइल नंबर, कोई आएगा तो बात कर लेगा आपसे ना टेंट लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा पे कर दीजिएगा, भैया की तरफ से कोई डिमांड नहीं रहती है। सही कह रहा हूँ ना भैया? जी जी। बहुत ही नाइस पर्सन है यहाँ के लोग ना। और दूसरा बताऊँ आपको, लाइट यहाँ पे ना सुबह भैया 5 बजे चली जाती है ना, 5 बजे आती है, 8 बजे चली जाती है, फिर रात को आती है, फिर रात को आती है, दिन भर लाइट नहीं रहती। तो इन्होंने देखो सोलर पैनल लगा रखा है वहाँ पे, उससे लाइट वाइट चलती है। और बाकी भैया कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट आज इनके यहाँ पे करना है हमें, तो लद्दाखी ब्रेकफास्ट रहेगा भैया? हाँ, लद्दाखी। चलो देखते हैं क्या खिलाएंगे भैया आपको, ना वॉशरूम दिखाता हूँ जो मैं कह रहा था। अरे देखो पेड़ कितने सुंदर है भैया, पेड़ किस चीज़ का है ये? ये कुर्बानी सेब का जी। ये वाला जी सेब का पेड़ है, और ये आगे वाला? ये कुर्बानी खुरमानी जी। खुमानी जी जी। अच्छा ये खुमानी का, वो सेब का है। और यहाँ पे क्या बोया हुआ आपने? ये तो हमारे प्याज लगाने। प्याज, अच्छा अच्छा। पूरी सब जगह इनकी भैया की, यहाँ पे इनके जानवर भी बंधे रहते हैं। ये रे देखो ये बच्चे हैं अभी, और ये इधर भी है, अंदर भी गायें हैं नीचे की तरफ। देखो जी टॉयलेट दिखाऊं आपको? देखो आपको अगर राजन भाई क्या दिखा रहे हो, ये देखो इसको गाइस कहते हैं ड्राई टॉयलेट्स। और ये साइड में जो मिट्टी रखी है ना, ये जो मिट्टी रखी है यहाँ पर अपना काम कीजिए और ये मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए, ये होता है यहाँ, मतलब वाटरलेस होते हैं ये। और वैसे टॉयलेट और भैया ने रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, किसी को और बैठने में दिक्कत है तो सीट भी रखी हुई है, ये सब है। लद्दाख और स्पीति जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं उनको पता होगा कि इस तरह के ड्राई टॉयलेट्स यहाँ पे चलते हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है क्योंकि विंटर में सर्दी में पानी जम जाता है पूरा, इसीलिए ऐसे टॉयलेट होते हैं। ठीक है, बाकी भैया ने ऐसा कुछ गेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं बनाया हुआ, सब कुछ इनका पर्सनल है, आप लोग आके बात करके यहाँ पर रुक सकते हैं, वो अलग चीज़ है। अच्छा खमीर बोलते हैं? अच्छा, और ये साथ में नमकीन चाय है ना? नमकीन चाय। तो गाइस हम लोग ये भैया के घर के अंदर आ चुके हैं, ये बैठक है इनकी, और यहाँ की स्पेशलिटी है कि नमकीन चाय पिला रहे हैं आज, मैं पहली बार पी के देखूँगा। और साथ में वो खमीर वाली रोटी है, तो खाते हैं और आपको बताएंगे फिर एक्सपीरियंस कैसा है पहली बार लद्दाखी ब्रेकफास्ट करने का। खमीरी रोटी काफ़ी बड़ी दिख रही है ना,
उसके बाद अभी धूप आ गई है, एयरटेल का इंटरनेट मिल जाए थोड़ा सा, बाहर जाके आता है तो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आदर्श भाई ठंड लग रही है? काफ़ी ठंड। अब गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हमने अभी क्या किया कुछ सामान रखवा दिया यहाँ भैया के पास दुकान पे, फिर आके लेंगे वापस में। देखो यहाँ के पानी से ना हाथों का हो रहा है बुरा हाल, मेरी स्किन ना पूरी कट रही है, देखो इस तरह से कट गई है, ज़्यादा कट गई है। यहाँ से बैंडेड लगाई है मैंने, अभी पानी सूट नहीं किया, कई बार नहीं करता, मेरे साथ पहले भी कई बार हुआ है ऐसा, स्पीति के टाइम पे भी होता है, हाई एल्टीट्यूड है ना, स्किन ड्राई होती है। ठीक है भैया आते हैं, बहुत अच्छा भैया, चलो आदर्श बाबू। आदर्श के तो सारा ही सामान यहाँ रखवा दिया बाइक पे, से है ही नहीं कुछ भी। अरे ऑडियंस से बता रहे हैं भाई, मैंने कहा पैनियर वगैरह क्या खोलूं, पैनियर तो ले ही जाते हैं। यहाँ से गाइस होगा कुछ लगभग 70 किलोमीटर के आसपास बेस कैंप, और वहीं जाके पता लगेगा वहाँ के क्या कहते हैं परमिट के बारे में, परमिशन वहाँ जाके मिलेगी। जब से इसका काम कराया ना मैंने बाइक का कॉन्सेप्ट वाला, तो पता नहीं आगे का हैंडल थोड़ा सा शेक कर रहा है यार, मतलब क्या ठीक से टाइट नहीं हुआ या क्या हुआ है, कुछ तो इशू है इसमें, ऐसे मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ऐसे शेक कर रहा है ऐसे करके। 2 घंटे लगेंगे यहाँ से जाने में, फिर 2 आने में, 4 घंटे हो जाएंगे, अभी बज रहे हैं 10। एक तो ना कैंपिंग करते लो अच्छा तो लगता है, पर उसका सेटअप करते करते ना हालत पतली हो जाती है यार, पैकिंग करते करते सामान पूरा पैक करो, टेंट को पैक किया, टेंट को अनपैक किया पहले तो लगा हुआ था जो, फिर उसको वापस पैक करो। 8 बजे शुरू हुए थे हम लोग ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद से पैकिंग करने में लगे हैं, 10 बज गए। सारा अपना भी सामान पैक किया, फिर यहाँ रखवाया भैया के पास, वहाँ से नीचे से लाए। चलो खैर नज़ारे देखते हो चलो, सुबह सुबह के 10 बजे का टाइम है, सामने कैसे पीक दिखाई दे रही ना एक बिल्कुल पहाड़ की, वो बिल्कुल चोटी है। सासोमा एक जगह है, सासोमा यहाँ से 14 किलोमीटर है अभी, बहुत प्यारा रास्ता है। पुलिस पोस्ट पैनामिक, गाइस देख रहे हो कितनी दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और ये रास्ता बीच में जाता हुआ कितना खुला खुला दिखाई दे रहा है यार, और ये रोड ना ऐसे ऐसे है, ऐसे जाता है ऐसे हो जाता है एकदम से, पता नहीं लगता है एकदम ऐसे हो जाता है, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं यार यहाँ के अल्टीमेट। देखो रोड कैसा दिख रहा है, ये देखो अब ऐसे हो जाएगा एकदम से, ये ऐसे आप लोगों को शायद कैमरे में समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये ऐसे ऐसे है रोड ना थोड़ी थोड़ी दूर में, अब देखो सामने से दिख ही नहीं रहा, अब नीचे की तरफ होएगा ये ऐसे, गाइस अभी पीछे ना एक आर्मी चेक पोस्ट था, और वहाँ पे क्या हुआ ना, उन्होंने पूछा परमिट है आपके पास, तो हमने कहा नहीं है, मतलब यहाँ के लिए अलग से परमिट लगता है, फिर उन्होंने कहीं 2-3 जगह फ़ोन किए, तब जाके हमारी पूरी डिटेल ली, हमारा DL नंबर, हमारे आधार नंबर, नाम कहाँ से आए हैं, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, क्या करते हो, ये सारी डिटेल उन्होंने अपने रजिस्टर्स में नोट की, तब जाके आगे कहीं से बात करके परमिशन लेके फिर हमें जाने दिया है। तो ये एक प्रोसेस है जी यहाँ पे आने का, जो लेह का जो ILP होता है ना इनर लाइन परमिट, वो यहाँ पे मान्य नहीं है, वो नहीं चलता, यहाँ आके आपको अलग से इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, सियाचिन बेस कैंप की परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। दूसरा ये कि रास्ता बड़ा ख़राब ख़राब सा था,
कैमरा उन्होंने अंदर रखवा दिया था थोड़ी दूर के लिए, तो मैंने अंदर रख दिया पोस्ट ठीक होगी वहाँ पे पूरी। बेस कैंप यहाँ से रह गया है 17 किलोमीटर 17। अभी था वारसी जगह थी, वारसी दो तीन ही घर है वहाँ पे नॉर्मल। इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पोस्ट है ना, जो सियाचिन बेस कैंप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों देश का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का भी और चाइना का भी। इस साइड पे चाइना लगता है, इस साइड पे पाकिस्तान लगता है। एक हमें सीनियर वो मिले फौजी, सीनियर मतलब कि एज में काफ़ी बड़े थे मुझसे, तो उनसे बात हुई, बोले कि आप लोग क्या करने आ जाते हो यार, यहाँ पे क्यों आते हो, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो यहाँ पे ड्यूटी के लिए हैं हम लोग। तो मैंने कहा सर हम लोग आप लोगों से मिलने आते हैं, इस बहाने से मिल लेते हैं कि भाई आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पे, क्या करते हो। तो कह रहे पर फिर भी क्या लगता है ऐसा कि भाई क्यों इन सब जगहों में पहाड़ों पे आने का मन करता है। तो मैंने कहा अच्छा लगता है ये सब। साथ में फिर बोले कि फौजी जो होता है ना वो जीते जी नरक देख लेता है और आदमी मरने के बाद नरक देखता है नॉर्मल बंदा। कह रहे ये बर्फ़ और ये पहाड़ ये सब नरक ही तो है हमारे लिए, बताओ। बात तो उनकी सही है यार, इतना टफ कंडीशन में ऐसे ख़राब वेदर में वो लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं। मैंने कहा सर आप लोगों की बदौलत ही है हम लोग जो घर पे बैठे हैं या यहाँ तक आ पाए हैं। कहते ये बात भी ठीक है। तो इस तरह की कन्वर्सेशन हुई। बेस कैंप 16 किलोमीटर। ये रास्ते और ये नज़ारे गाइस आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ तक आते हैं, नॉर्मल टूरिस्ट तो आते ही नहीं है। तो मैंने भी यही सोचा कुछ अलग जगह आप लोगों को दिखाई जाए। पहले भी काफ़ी यूट्यूबर्स आए हैं। और ये रास्ता तो बंद है। अरे भैया कह रहे 10 मिनट लगेंगे, BRO वाले काम करते रहते हैं यार। सामने कहीं जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, उधर ही कहीं पीछे जाके सियाचिन ग्लेशियर है, और एक साइड पे चाइना लगता है और एक साइड पे पाकिस्तान लगता है। नमस्कार सर, बेस कैंप जाएंगे, बेस कैंप। अच्छा बेस कैंप घूमने के लिए जा रहे थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा सर, रोड ठीक है आगे? हाँ। आगे का रोड अच्छा है? रोड ठीक होगा। अच्छा ऐसा रोड गाइज काफी सारा मिला मैंने, पीछे ऑफ रोडिंग काफी थी। हटा रहे हैं। आराम से जाना, आगे सीधा चले जाओ। ओ भाई साहब ऑफ रोड खराब रास्ता है। आ जाए एक बार आदर्श भी। आ गया। ये अच्छा हुआ गाइस कि सामान हम लोग कम कराए थे अपना, छोड़ आए थे नीचे, उससे बाइक हल्की हो गई थोड़ी, नहीं तो यहाँ तो बहुत खराब रास्ता था। चलिए मिलते हैं और थोड़ा सा आगे जाके। देखिए गाइस क्या लिखा है, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। अब समझ रहे होंगे सामने जो दिखाई दे रहा है ना वो सियाचिन ग्लेशियर है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दूं मैं कि सियाचिन वो जगह है जहां हमारी इंडियन आर्मी 24 घंटे तैनात रहती है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। LOC है वहाँ पे, और दो तरफ के बॉर्डर लगते हैं, एक साइड चाइना और एक साइड पे पाकिस्तान। और सियाचिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो माइनस में टेम्परेचर होता है और बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशन होती है, जो हमारे सोल्जर्स हैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी देने में हमेशा तत्पर रहते हैं। सोचा था इस बार कि देश के वीर जवानों को नमन करने यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर है बेस कैंप। ये देखो जी वादियाँ, आदर्श बाबू ये कहाँ आ गए आदर्श जी, सोचे थे कभी? ये हमारे देश का एक छोर है, छोर सियाचिन।
माइनस में टेम्परेचर होता है पता है, जो सोल्जर्स होते हैं ना ऊपर, अगर कोई मेटल की चीज को छू दें एक फिंगर से ऐसे, तो ये फिंगर चिपक जाती है उस पर, वो काटना ही पड़ेगा उसको, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन होती हैं। हाँ, और 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, पानी पीने के लिए भी बर्फ को पिघालना पड़ता है। नाम तो बहुत सुने था, फोटोग्राफ लेते हैं गाइज, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, फिर चलेंगे आगे यहाँ से। गाइज वो सामने है बेस कैंप, 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से। आज आप लोग इस वीडियो के थ्रू घर बैठे देख रहे हैं, ये रास्ते बहुत ही दुर्लभ और दुर्गम रास्ते हैं, और सामने आप लोग जो देख रहे हैं ना बर्फ़ का पहाड़, उसको कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। तो ये आज आपको राजन ब्लॉक्स पे पहली बार देखने को मिल रहा है। रोड काफ़ी ख़राब था पीछे से, और मतलब ये कह सकते हैं कि 60% तक रोड ठीक है, 40% रोड ख़राब है यहाँ तक आने के लिए। जहाँ पे चेक पोस्ट था आर्मी का, उसके बाद तो पूरा ही ख़राब था। और यहाँ पे आ गया है जी बोर्ड, वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनती है यार, नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट, अब तो जा सकते हैं। खैर यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाता हूँ आदर्श से। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं गाइज, और देखो वहाँ पे ना वो भी बनाया हुआ है एक बोर्ड, आई लव सियाचिन वाला, ये आजकल बहुत चल रहा है सब जगह जो लगा के रखते हैं ना। और देखो वहाँ पे सोल्जर्स की वो बनी हुई है, स्टैचूज बने हुए हैं कि कैसे वो इतनी बर्फ में सरवाइव करते हैं यार। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ मिलिट्री एरिया, नो फोटोग्राफी ऑफ आर्मी एसेट्स, नो ड्रोन फ्लाइंग जोन, अवॉइड एंटरिंग दी नालाज, यूज़ गार्बेज बॉक्स, डू नॉट ब्रेक एनी फ्लावर्स, बी अवेयर ऑफ शूटिंग स्टोन्स। चलो जी, आर्मी एसेट्स की हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आई लव सियाचिन। मेकिंग ऑफ द सियाचिन वॉरियर, वो सामने बना हुआ है। गाइज हम लोग हैं अभी सियाचिन बेस कैंप, और ये यहाँ पे एक जगह बनाई हुई है सेल्फी पॉइंट, इसका नाम दिया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी मेन रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ के। ये देखो सियाचिन सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे आई लव सियाचिन का एक बोर्ड लगा हुआ है, और इस तरफ सियाचिन ग्लेशियर। नज़ारा देखो, हम दोनों के अलावा अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे। सांस फूल रहा है। अब ये सोचिए हमारा थोड़ा सा चल के यहाँ पे ऐसे सांस फूलने लगता है। देश के जवान कैसे यार सरवाइव करते होंगे ऐसी टफ कंडीशंस में। देखिए गाइज यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से एक सियाचिन वाले जो सोल्जर है, वॉरियर है, वो किस तरह से बनते हैं। देखो सबसे पहले एक नॉर्मल इंडियन आर्मी के सोल्जर, उसके बाद उनकी विंटर में ट्रेनिंग होती है, ये शूज़ हैं जो कि स्नो वाले शूज़ होते हैं, और ऊपर जैकेट भी है। उसके बाद एक और लेयर बढ़ जाती है ऊपर वाली, जो कि फिर ट्रेनिंग में होता है इनका स्नो वाली पूरी ग्लेशियर वाली ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद ये ऐसे लास्ट में पूरे एक सोल्जर तैयार हो जाते हैं। शूज़ देखिए, फिर इनकी यूनिफॉर्म देखिए, और फिर सनग्लासेस। इस तरह से एक सियाचिन सोल्जर जो है वो वॉरियर तैयार होता है। यहाँ पे पूरा इनका मेकिंग प्रोसेस दिया हुआ है, लिखा हुआ है, मतलब बना हुआ है, और वहाँ पे है आई लव सियाचिन। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पहुँच के, काफ़ी अद्भुत जगह है ना, शब्दों में बताया नहीं। वो आगे की तरफ वहाँ पूरा बेस है आर्मी का, काफ़ी बड़ा बेस है। वहाँ जाके हमने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि अलाउड भी नहीं है, और वैसे करना भी नहीं चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। क्यों जी? सही बात है, कोई बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, गलत बात है। चलें फिर फोटो वोटो खिंचवाते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है, निकलते हैं आज आगे की तरफ। फिर रोड काफ़ी ख़राब था यार, थक गए यहाँ तक पहुँचते, पर वही है कि अब सिचुएशन लोकेशन ऐसी है तो यहाँ तक पहुँचने में थकावट तो होनी थी यार। अब हम लोग गाइस जा रहे हैं यहाँ से वापस,
पैनामिक की तरफ, वहाँ से अपना सामान उठाएंगे और जाके स्टे करेंगे आज हुंदर में। टाइम हो गया है 1:15 का, तो काफ़ी दूर का रास्ता है। पैनामिक से भी हमें लगे कितने घंटे लग गए यार, 2.5 घंटे लग गए। 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हम लोग। रोड भी कभी क्योंकि काफ़ी ख़राब है बीच बीच में, और फिर वहाँ चेक पोस्ट पर भी वेट करना पड़ा था, तो लगभग अभी 2 से 2.5 घंटे लगने चाहिए वापस पैनामिक तक पहुँचने में। उसके बाद वहाँ से सामान उठा के हुंदर जाने में फिर से 2-2.5 घंटे लगेंगे। यहाँ पे आना तो बनता है यार, इस जगह को मतलब फील करना कि भाई कैसे ये लोग इतने मेहनत वाली सिचुएशन में रहते हैं यार, अपने शरीर को इतनी तकलीफ़ देते होंगे। ट्रेनिंग के टाइम पे भी इनको ग्लेशियर चढ़ने पड़ते हैं, हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते घर बैठे ये सब चीज़ें। हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए ये लोग अपनी जान दांव पे लगा के यहाँ पे बैठे होते हैं। ले यहाँ से 195 किलोमीटर है, वारसी 15। बादल गिर गए हैं ऐसा लग रहा है, बारिश का मौसम हो गया है। रेनकोट भी नहीं है यार हमारे पास, तो बारिश ना आए भगवान। चलो फिर अब मिलता हूँ पैनामिक पहुँच के आपको दोबारा से। गाइस सियाचिन बेस कैंप जाते हुए ना बीच बीच में रास्ता इस टाइप का भी मिलेगा आपको, जाते टाइम नहीं दिखाया था, आते हुए दिखा रहा हूँ, देख लो। ख़राब भी और वाटर क्रॉसिंग भी 2-3 जगह है। एक जगह तो बड़े वाली वाटर क्रॉसिंग है, जो रेत है ना बीच में इसके ऊपर होती है, बाइक स्लिप कर जाती है, धंसने लगती है इसमें, तो बड़ी संभल संभल के चलानी पड़ती है। हम लोग गाइस पहुंच चुके थे पैनामिक, यहाँ पे हमने स्टे किया था रात को, और ये भैया की शॉप है, इनका नंबर मैंने ले लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। कभी आप लोगों को आना हो यहाँ पे टेंट लगाना हो तो आप लोग बात कर लीजिएगा इनसे। दुकान पे भी इनके ना सारा सामान मिल जाता है, छोटा छोटा कुछ भी ले लो, कुछ भी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड क्रीम्स, सब्जियाँ भी हैं खाना बनाने के लिए चाहिए हो तो। अब हम जा रहे हैं यहाँ से हुंदर, आज रुकेंगे हुंदर में। 3:30 बजे का टाइम है, लगभग 1.5 घंटा लगेगा हुंदर पहुँचने में। बहुत ही नाइस पर्सन थे यार ये तो, ये क्या बताऊँ, पूरा लद्दाख में यार हर कोई बंदा ऐसे ही है। अभी इन्होंने पता है आदर्श की इतनी हेल्प की है पूरा सामान लोड करने में, बैग भी उठा के ले आते हैं खुद ही अपने आप ही। हम लोगों ने ना इनको इनकी शॉप से सामान लिया था, तो सामान जो बना था वो शायद 240-250 रुपये का बना था, 250 रुपये के आसपास का। यही कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह ली थी, पानी की बोतल वोटल, तो हम लोगों ने इनको 500 रुपीज़ दे दिए टोटल। मतलब 250 रुपये हमने एक तरह से इनके यहाँ टेंट लगाने के पैसे दे दिए, और बाकी 250 रुपये जो सामान हमने यूज़ किया, खाना वगैरह खाया जो इनका शॉप से, उसके तो खुश हो गए इतने में भी। वैसे तो कह रहे थे कि रहने दो, क्यों दे रहे हो, पर सही है यार, टेंट लगाने की जगह मिल गई 200-250 रुपये में। ऊपर से सुबह चाय भी दी थी इन्होंने घर में, और ब्रेकफास्ट में वो खमीरी रोटी थी, वो तो खैर इतनी अच्छी लगी नहीं, पसंद नहीं आई, मैंने तो एक ही बाइट खाई थी। और चाय भी खैर वो नमकीन चाय बनाई थी इन्होंने, नमकीन चाय में ना ये बटर डालते हैं, बटर वाली चाय कहते हैं उसको, तो वो भी अजीब सी लगी, पी नहीं गई, तो फिर दोबारा मीठी वाली चाय बनाई इन्होंने। चल रहे हैं बाकी हम हुंदर की तरफ। सुमूर है 23, पहले सुमूर आएगा, फिर खलसर आएगा, फिर हुंदर आ जाएगा दिस्कित के बाद। सियाचिन बेस कैंप देख लिया जी आज राजन भाई ने तुम्हारे। अभी फिर से गाइज हम लोगों ने ना अपना पेट्रोल फुल करा लिया है नुब्रा वाले पेट्रोल पंप से, इसमें आया अभी 450 रुपये का, ठीक है। और ये है गाइज दिस्कित और हुंदर जाने वाला रोड, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जाता है सीधा, देख रहे सामने कैसे वो रेत उड़ रहा है, आंधी चल रही थी ना उसकी वजह से ना
जो डेजर्ट है वो सब ऐसे उड़ता है। अभी राइट साइड का नज़ारा देखना गाइस, अभी दिखाता हूँ, देखो ये देखो जी, मौसम है ख़राब और यही आगे जाके ना वही सैंडी उनसे आ जाते हैं हुंदर वाले, उनकी वजह से देखो कितनी धूल दिखाई दे रही है। बारिश के जैसे बादल छाए हुए हैं, आंधी चल रही थी ना तो उसकी वजह से देखो क्या हुआ है नज़ारा, नहीं तो बहुत प्यारा आता है। यहाँ से पहाड़ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इतनी ज़्यादा धूल है। ये सब ना सैंड है जो हवा में उड़ रही है ना आंधी की वजह से, देखो इधर से उधर तक कुछ नहीं दिख रहा है, और इस तरफ ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहीं पे वो है सैंड ड्यून्स। अभी इस टाइम तो यार कहीं जाने का फ़ायदा नहीं, फिर तो यार टेंट लेंगे, कैंप लेके वहीं स्टे करेंगे, बाहर निकलने का तो फ़ायदा ही नहीं है। गाइस ये देख रहे हो क्या हो रहा है, हेलमेट के अंदर भी आ रही है धूल, 4 किलोमीटर है अभी उधर। मैं कह रहा था ना कि ये सारा डेजर्ट है, सैंड है जो उड़ रही है, सांस भी नहीं आ रहा भाई साहब। ओए होए ये नज़ारा तो पहली बार देखा यार, ये देखो जी है ना, सबसे ज़्यादा धूल इधर ही है, पहाड़ भी नहीं दिख रहा सामने का। सावधानी से चलाता हूँ थोड़ा और, यहाँ पे ना दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं हुंदर, और मौसम देख रहे हो आज क्या खतरनाक वाला मौसम हो रहा है, वो आप लोगों ने देख ही लिया कैसे रेत में से बाइक निकालते हुए हम लोग वो आए हैं। यहाँ पे बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है, ये हमने गेस्ट हाउस लिया है, इसका नाम है हबीब गेस्ट हाउस, ठीक है हुंदर, और ये हमारा रूम है। आदर्श बाबू चाय और ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं, लाइट थोड़ी सी कम है यहाँ पे, बस ये एक दिक्कत है, बाकी 3 बेड वाला रूम है ये। इधर मैंने अपना लैपटॉप खोल दिया, आते ही गए सबसे पहले मैंने क्या किया, वीडियो अपलोड पे लगाई है, वाईफाई यहाँ पे चल रहा है पर बहुत ही कम स्पीड है, अभी तक 1% हुआ है 15 मिनट में। कल वीडियो रात को एडिट तो कर ली थी मैंने टेंट में बैठ के, बट अपलोड नहीं कर पाया, अब देख लो इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रही। आप लोग सोच रहे हो डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को इंटरनेट ही नहीं मिल रहा है यार कहीं पे भी ठीक से, यहाँ वाईफाई है बट 1.32 Mbps की स्पीड आ रही है, देख ही रहे हो आप लोग अपलोडिंग की स्पीड, ठीक है तो जैसी हो जाएगी रात लगेगी शायद कल सुबह देखने में मिलेगी ये वाली वीडियो आपको। बाकी थक गए आज भी, संघर्ष जारी है, बाकी ये कि थक चुके हैं यार आज भी ना, पता नहीं क्यों आज इतना टायर्ड लगा, जबकि इतने हमने 200 किलोमीटर में बाइक नहीं चलाई होगी, शायद 200 तो चलाई होगी, 180-90 के आसपास हमने बाइक आज चलाई है, बट फिर भी थकावट आज ज़्यादा लग रही है, शायद रोड ख़राब था या फिर हम सुबह ही थक गए थे क्योंकि कैंपिंग जो सेटअप था वो पूरा हमने दोबारा से उसको पैक किया सब कुछ, तो इसलिए शायद थक गए थे। और इस होटल रूम में डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड 2000 रुपये का मिला है हमें 2 लोगों का, ठीक है जी, हबीब गेस्ट हाउस हुंदर, इसके साथ ही था वो डी नुब्रा कैंप जिसमें लास्ट ईयर में रुका था बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ उनके टेंट्स, और वैसे भी आज टेंट में रुकना सेफ नहीं था, आंधी चल रही है बहुत ज़ोरदार। चलो चाय तो मैंने पी ली है, एक और वीडियो एडिट करता हूँ और देखता हूँ ये वाली कब तक अपलोड होती है, बाकी सब कुछ ठीक है अभी तक तो, डिनर के टाइम पे मिलते हैं आपसे दोबारा। इधर ही बोला था इन्होंने, आ जाओ आ जाओ। अच्छा यहाँ पे डिनर है, हुंदर में अपना डिनर करने हम लोग आ चुके हैं, और जहाँ तक चांसेस है कि हम लोग कल भी यहीं पे रुकने वाले हैं। भाई सब ठंड हो रही है बहुत यहाँ पे, जैकेट मेरे पास और भी है पर मैंने यही वाली निकाली हुई है क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी, है ना, और ये ऊपर की तरफ ही रखी हुई बैग में, तो फटाफट ये निकाल के पहन लेता हूँ। यहाँ पे सैलड लगी हुई है, देखो दिख रही है आपको, हाँ मुझे दिख रही है, ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ से जाने वाले तुरतुक और थांग, थांग है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, वहाँ से पाकिस्तान का जो है गाँव भी दिखाई देता है, कल आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी हम करते डिनर। अस्सलाम वालेकुम भैया, आज आपकी ईद थी, मैं भूल गया आपको विश करना, ईद मुबारक हो आपको। सेम टू यू सर। क्या नाम है आपका? इरफान सर। इरफान, तो गाइज आप लोग आ सकते हैं जब भी आप आए नुब्रा, तो पहले जहाँ मैं स्टे किया था वो बंद है अभी फिलहाल तो, पर भाई साहब का ये गेस्ट हाउस है एक्चुअली, ठीक है। तो टेंट में रुकना हो तो डी नुब्रा कैंप, और अगर गेस्ट हाउस में रुकना तो हबीब गेस्ट हाउस, ठीक है। ठीक है भैया, हबीब गेस्ट हाउस, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अभी डिनर में क्या खिलाने वाले हो आप? डिनर में हम आपको सब खिलाएंगे आलू मटर दाल, हाँ रोटी राइस और
ठीक है ठीक है। अच्छा हम लोगों का विचार है कि कल भी यहीं पे रुकेंगे हम। जी सर। कल हम लोग जाएंगे तुर्तुक और थांग। जी सर। उसके बाद दोपहर के शाम तक वापस आ जाएंगे। जी सर। फिर यहीं पे रुकने का सोच रहे हैं हम लोग। ठीक रहेगा। चलो और ब्रेकफास्ट में क्या खिलाओगे आप? ब्रेकफास्ट में सर हम आपको ब्रेड बताएंगे तो ब्रेड ऑमलेट दे देंगे, और पराठा बताएंगे तो आलू पराठा मिल जाएगा। जी सर। पराठा मिल जाएगा। पराठा मिल जाएगा सर। चलो आपका नंबर शेयर कर लो ना वीडियो में। हाँ, है ना, कोई आए तो कॉल कर लेगा आपको। बिल्कुल सर। ठीक है गाइज, ये है हमारा डिनर आज का। दाल है इसमें, अरहर की दाल है, और आलू मटर की सब्जी है, चपाती है, यहाँ पे सैलड भी रखी है भैया ने, और बाकी सब कुछ यहाँ रखा ही है। सब अगर एक्स्ट्रा हमें चाहिए हम ले सकते हैं। डिनर करते हैं और फिर रूम में चल के लास्ट बात करते हैं आपसे आज के दिन की। सही बात है, सही बात है। आज के नज़ारों के बारे में तो बताना पड़ेगा। गजब का दिन था यार आज, मज़ा आ गया। आज का तो मतलब पूरा ले एक तरफ और आज का एक्सपीरियंस एक तरफ। लास्ट टाइम मैं आया था ना लद्दाख, तो सियाचिन बेस कैंप में नहीं गया था मैंने, इसलिए सोचा अब की बार कि सबसे पहले वहीं जाना चाहिए। नुब्रा में पहले भी आया हूँ, आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ गाइस कि आपको कुछ अलग देखने को मिले राजन ब्लॉग्स पे। बाकी आपकी मर्ज़ी है यार, बाकी शेयर वेयर करना वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। दोबारा मिलते हैं।